भारत और चीन के बीच एलएसी विवाद पर मॉल्डो में 10वें दौर की बैठक में लद्दाख में पैंगोंग झील के अलावा दूसरी विवादित जगह से सेनाएं हटाने पर चर्चा हुई। ये बैठक करीब 16 घंटे तक चली। मॉल्डो में कल सुबह 10 बजे शुरू हुई बैठक देर रात 2 बजे तक चली। न्यूज 18 के संदीप बोल की खबर है कि इस बैठक में गोग्रा हॉट स्प्रिंग और डैपसोंग में सेना के हटने पर चर्चा हुई। बैठक को लेकर सेना की ओर से आज बयान जारी हो सकता है। संदीप बोल हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। संदीप, 16 घंटे ये बैठक चली, क्या अहम बातें सामने आई इस बैठक के बाद? देखिए, ये बैठक सुबह 10 बजे शुरू हुई थी जो देर रात तक 2 बजे तक लगातार चलती रही। इस बैठक में पहले 9वें राउंड पे जो बैठक हुई थी जिसमें कि दोनों देशों के बीच ये सहमति बनी थी कि पैंगोंग के दक्षिण नॉर्दर्न बैंक और सदर्न बैंक से किस तरीके से सेना को हटाया जाए। उसके बाद डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई और वहाँ से दोनों देशों ने सेनाएं अपनी आमने सामने जो तैनात थी उनको पीछे किया और उसके बाद जितने भी फ्रिक्शन पॉइंट थे जैसे कि गोग्रा हॉट स्प्रिंग और डेपसांग प्लेन्स में जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई है उसको कैसे ईज आउट किया जाए, उस पर किस तरीके से किस मैकेनिज्म से जो है सेना को पीछे करना है, दोनों देशों की सेना जो कि आईबॉल टू आईबॉल कॉन्टैक्ट में है उसको लेकर विस्तार से चर्चा हुई। क्योंकि अब एक एग्जाम्पल उनके सामने है कि जिस तरीके से पैंगोंग के सदर्न और नॉर्दर्न बैंक से हटाए गए उसी एग्जाम्पल के तौर पर उसी तरीके से जो है पीछे दोनों देशों की सेनाएं हटाई जा सकती हैं, तो इस तरीके से चर्चा जरूर हुई है। हालांकि अभी इस बैठक का निष्कर्ष क्या निकला इसके बारे में सेना की तरफ से देर शाम तक या दोपहर तक कोई जानकारी आ सकती है, कोई स्टेटमेंट आ सकता है। अमूमन दोनों देशों के बीच जो है साझा बयान जरूर जारी होता है इस पूरे बैठक को लेकर, तो उम्मीद की जा रही है कि दोपहर तक या शाम तक इस मीटिंग में क्या निष्कर्ष निकला है उसको पता लगेगा। और अगर बातचीत सही हुई है और दोनों देश जो है एक दूसरे के जो तरीके हैं पीछे जाने के या डिमांड्स हैं उसको अगर उससे आम सहमति होती है तो जाहिर सी बात है कि दूसरा फेज जो डिसएंगेजमेंट का है इस पूरे इलाके में वो शुरू हो सकता है। क्योंकि डेपसांग प्लेन जो है वो काफ़ी पुराना मामला काफ़ी समय से जो है वो चलता आ रहा है, तो ऐसे में डेपसांग को लेकर किस तरीके की बातचीत हुई है। भारत ने अपना रुख हमेशा से हर बैठक में साफ किया है कि हम अपनी एक इंच जमीन भी नहीं देंगे, तो दोपहर तक इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर इस बैठक में निष्कर्ष आखिर क्या निकला, कब से दूसरा फेज जो है डिसएंगेजमेंट का शुरू होना है। जी शुक्रिया संदीप। यूपी के कासगंज में सिपाही की हत्या का मुख्य आरोपी और शराब माफिया मोती सिंह को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। आरोपी के पास से पुलिस ने दरोगा से छीनी गई सरकारी पिस्तौल बरामद करने का भी दावा किया है। आपको बता दें आरोपी मोती सिंह पर पुलिस ने 1,00,000 का इनाम घोषित किया था। 9 फरवरी को इस शराब माफिया ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस की टीम पर हमला किया था जिसमें एक कांस्टेबल शहीद हो गए थे जबकि एक दरोगा को गंभीर चोट आई थी। इस इनामी बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, उस मुठभेड़ के दौरान मोती गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे जिला चिकित्सालय में इलाज हेतु रवाना किया गया। डॉक्टरों द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया। उसके कब्जे से जो सरकारी पिस्टल लूटी गई थी वो बरामद कर ली गई है। साथ ही अवैध तमंचा व कारतूस बरामद हुआ है। उसके दो साथी जो कि उसके भाई हैं मोहर व मानपाल वो भागने में सफल हो गए हैं। पुलिस टीम उनके पीछे कॉम्बिंग और रस कर रही है, शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी करके आपका अवगत कराया जाएगा। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और किसान आंदोलन के बीच आज बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल होंगे और चुनाव और किसान आंदोलन के बीच आज ये बड़ी बैठक है बीजेपी की। 10 बजे बैठक का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और बैठक को संबोधित भी करेंगे। एनडीएमसी सेंटर में होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। बैठक शाम 5 बजे तक चलेगी जिसमें सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, प्रभारी और सह प्रभारी हिस्सा लेंगे। बीजेपी संसदीय बोर्ड के सभी सदस्य भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कोरोना काल शुरू होने के बाद बीजेपी नेताओं की ये पहली बड़ी बैठक है। बैठक में अगले कुछ महीनों में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी में होने वाले चुनावों में बीजेपी की क्या रणनीति होगी इस पर भी विशेष तौर पर चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में परिवर्तन यात्रा पर हुए हमले से नाराज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी दफ्तर पर हमला कर दिया। आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने शहर के एक इलाके से गुजर रही परिवर्तन यात्रा पर हमला कर कुछ लोगों की पिटाई कर दी थी। पर धावा बोल दिया
और वहां तोड़फोड़ की घटना की जो तस्वीरें सामने आई उनमें कई लोग टीएमसी दफ्तर पर पथराव करते दिखे। कुछ पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन गुस्से से भरे लोगों के सामने उनकी एक ना चली। एक दूसरी तस्वीर में कुछ लोग वहां खड़ी एक गाड़ी को भी निशाना बनाते नजर आए। आरोप है कि इस घटना से पहले टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर हमला किया था जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें बीच सड़क पर कई लोग पुलिस वालों के सामने बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं को बुरी तरह पीटते हुए दिखाई दिए जिसके बाद उन्हें घायल हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये लोग चाय पर चर्चा में भाग रहे थे कि उनके गुंडे आए पुलिस के सामने लोगों ने धड़क बहुत मार मारा। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ट्वीट कर परिवर्तन यात्रा पर हुए हमले की निंदा की। यही नहीं बीजेपी ने घटना की गृह मंत्री अमित शाह और चुनाव आयोग से शिकायत कर जिले के एसपी पर कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश के मेरठ में शादी समारोह में थूक कर रोटी बनाने वाले नौशाद उर्फ सुहेल नाम के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुछ रोज पहले सोशल मीडिया पर उसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें नौशाद नाम का वो आदमी एक शादी समारोह में रोटी बनाने का काम करता नजर आया लेकिन रोटी को तंदूर में डालने से पहले वो उस पर थूकता दिखा। उसने एक के बाद एक कई रोटियों पर इसी तरह थूका और फिर उन्हें तंदूर के अंदर डाल दिया। शादी समारोह होने की वजह से आसपास लोगों की भीड़ भी थी लेकिन वो इन सब से बेपरवाह होकर रोटी पर थूकने और उन्हें तंदूर में पकने के लिए डालने के काम में जुटा रहा। इसी दौरान किसी ने उसकी इस हरकत का वीडियो बना लिया और फिर उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो के वायरल होने के बाद हिंदू जागरण मंच नाम के एक संगठन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। यही नहीं उसे ढूंढते हुए संगठन के लोग उसके घर पहुंच गए और उसकी जमकर पिटाई कर दी। मारपीट के बाद उन लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6000 से ज्यादा मामले बढ़े हैं जबकि कोरोना से 40 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं मुंबई में 24 घंटे में 897 नए मामले सामने आए हैं और 3 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद बीएमसी की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के आधार पर इमारतों को सील करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। एक इमारत में 5 या उससे ज्यादा कोरोना मरीज मिलते हैं तो इस इमारत को सील कर कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। मरीजों की संख्या में कमी आने के बाद ही लोगों को इमारत से निकलने की इजाजत दी जाएगी। बीएमसी के आंकड़ों के मुताबिक 20 फरवरी तक मुंबई में 1305 इमारतों को सील किया गया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये मामले इतने बढ़ते जा रहे हैं कि मुंबई की मेयर किशोरी पेडणेकर जो है वो खुद अब लोगों के बीच जाकर उनको मास्क दे रही है। इतना ही नहीं लोगों को अवेयर भी कर रही है। मैम क्या बताना चाहेंगे, क्या कोरोना इतना बढ़ चुका है कि अभी आपको उतरना पड़ रहा है? हाँ मैं समझती हूँ, पहली मैं मुंबई का रहे, मैं नागरिक हूँ और मैं शिवसैनिक हूँ और अभी मेरा पद महापौर है, महापौर की जिम्मेदारी सब है ऐसे लोग कहते हैं और मुझे पता है मेरी जिम्मेदारी मेरा कर्तव्य, तो मैं मेरा कर्तव्य कर रही है कि जिसके पास मास्क नहीं है उसको मास्क देना और मास्क ही ऐसे ही अभी है कि ये अपना दवा भी है और दुआ भी है तो लगाना चाहिए। मैम हमने देखा कि जो मार्शल आपने तैनात किए हैं जगह जगह उनके ऊपर अभी बहुत विवाद चल रहे हैं लोग और लोगों के बीच में और मार्शल जो बीएमसी के लिए मीटिंग रखी है मार्शल के सब जो मेन बॉस है उनके उनको मैं कहने वाली है एकदम पोलाइट लोगों के साथ नम्रता से लोगों को कहो लोग सुनते हैं। छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में बीजेपी महिला मोर्चा ने महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के विरोध में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजधानी रायपुर में तो सांसद सरोज पांडे की अगुवाई में महिला मोर्चा से जुड़ी सैकड़ों कार्यकर्ता राज्यपाल से शिकायत करने के लिए राजभवन की तरफ कूच कर गई लेकिन पुलिस ने सड़क पर बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक लिया जिसके बाद मार्च में शामिल बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पुलिस वालों से भिड़ गए। कुछ लोग बैरिकेड पर चढ़ गए और उसे जोर जोर से हिलाकर गिरा दिया। इस बीच वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की जिसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। हालात बिगड़ने पर पुलिस वालों ने उन्हें जबरन हटाना शुरू किया जिससे नाराज कई लोग उनसे धक्का मुक्की करने लगे। इससे पहले बीजेपी महिला मोर्चा की सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शहर की एक सड़क पर मार्च निकाला। कुछ महिलाएं नारे लिखी तख्तियां लेकर चलती दिखाई दी तो कुछ पार्टी का झंडा लिए नजर आईं। इतना ही नहीं इस दौरान उन्होंने नारे भी लगाए। बाद में बीजेपी सांसद सरोज पांडे ने महिलाओं पर अत्याचार बढ़ने का दावा करते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। बहनों के
स्वाभिमान के साथ खेलने की उन्होंने शुरुआत की है, हमारी अस्मिता को सुरक्षित नहीं रखा है, हमने इसलिए ये शुरुआत की है। काफी देर तक राजभवन के सामने बवाल होता रहा, हालांकि बाद में किसी तरह पुलिस अधिकारियों ने समझा बुझाकर मामला शांत करवा दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने शिवपाल यादव से मुलाकात की। यूपी के आजमगढ़ में एक शादी समारोह में पहुंचे AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव से मुलाकात की। खबर है कि दोनों नेता आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन बनाकर चुनाव में उतर सकते हैं। मैं तो चाहता हूं समान विचारधारा के सभी लोग इकट्ठे हों। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने सड़क पर घायल हालत में मिले दो लड़कों की मदद की। कमल पटेल बैतूल से हरदा जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें बीच सड़क पर घायल हालत में दो लड़के दिखे। उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाई और दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। वाराणसी में आयोजित कृषि प्रदर्शनी में पहले दिन काफी तादाद में लोग पहुंचे। इस प्रदर्शनी में किसानों को कम लागत में अच्छी उपज प्राप्त करने की तकनीक बताई जा रही है। यूपी के कानपुर में पुलिस ने नाबालिग लड़की के गैंगरेप के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि गांव के ही दो लड़कों ने अपने साथी के साथ मिलकर पहले लड़की को अगवा किया और फिर उसका रेप किया। उत्तराखंड के चमोली में जंगल में लगी आग ने काफी बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण है कि उसके आसपास के रिहायशी इलाकों में भी फैलने का खतरा मंडराने लगा है। बिहार के लालगंज में एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के संगठन मंत्रियों के साथ अहम बैठक की। इस अहम बैठक में राज्यों में पार्टी के कामकाज की समीक्षा की गई। बैठक में पार्टी के पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जाए। खबर है कि बैठक में जेपी नड्डा ने संगठन के मंत्रियों को निर्देश दिए कि कृषि सुधार कानूनों पर भ्रम दूर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक संपर्क किया जाए और जिन राज्यों में चुनाव है वहां केंद्र सरकार के कामों का जबरदस्त तरीके से प्रचार किया जाए। देश की राजधानी दिल्ली से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें हथियारबंद बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी को गोली मार दी, जिसमें वो घायल हो गया। दिन दहाड़े हुई इस घटना की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिनमें एक तस्वीर में प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में दो बदमाश वहां काम करने वाले कर्मचारी के पीछे पीछे दाखिल होते दिखे। एक बदमाश के हाथ में पिस्तौल दिखाई दी, जिसने दूसरे बदमाश के इशारे पर पीछे से कर्मचारी के एक पैर में गोली मार दी। इससे पहले कि वो कर्मचारी कुछ कर पाता, बदमाश ने उसके दूसरे पैर में भी गोली दाग दी। दोनों पैरों में गोली लगने के बाद वो आदमी पास में मौजूद सोफे पर बैठ गया, जबकि दोनों बदमाश वहां से निकल गए। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद एक बदमाश लौटा और उसने उसके हाथ में एक पर्चा थमा दिया। इससे पहले दोनों बदमाश उस कर्मचारी से बातचीत करते नजर आए, जबकि थोड़ी ही दूरी पर उनका एक साथी बाइक पर बैठा नजर आया। इस घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने एक बार फिर अमिताभ और अक्षय कुमार को धमकी दी है। नाना पटोले ने तेल की कीमतों पर ट्वीट ना करने के लिए अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को काले झंडे दिखाने की धमकी दी है। एक तरफ अमिताभ बच्चन के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तो दूसरी तरफ नाना पटोले की बौखलाहट बढ़ गई है। आपको बता दें, दो दिन पहले यानी 18 फरवरी को भी नाना पटोले ने अमिताभ और अक्षय की शूटिंग रोकने की धमकी दी थी, और अब पटोले ने धमकी दी है कि अमिताभ और अक्षय जहां भी दिखाई देंगे वहां पर उन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे। सभी को बड़ी तकलीफ होती है। मैं अक्षय कुमार के विरोध में नहीं बोला, मैं अमिताभ बच्चन के विरोध में नहीं बोला, उनके करनी के विरोध में बोला। वो असली हीरो नहीं है। असली हीरो रहते तो लोगों को जो तकलीफ होती है, तकलीफ में लोगों के साथ रहना चाहिए, ये हमारी बात है। अगर वो कागज के शेर बन के रहना चाहते तो रहे, हमें कोई तकलीफ नहीं। उन्हें ट्वीट करना चाहिए आज की परिस्थितियों पे। हम उनको ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, हमने कदम पीछे नहीं किया है। हम अमिताभ बच्चन को और अक्षय कुमार को उनके पिक्चर जब रिलीज होंगे तो काले झंडे हम दिखाएंगे, जहाँ दिखेंगे वहाँ काले झंडे दिखाएंगे। हम लोकतंत्र के रास्ते से हम चलेंगे, हमें कोई भी, हमें, हम गोडसे वाले नहीं, हम गांधी वाले। शूटिंग बंद नहीं करेंगे। नाना पटोले की धमकी के बाद अमिताभ बच्चन के बंगले जलसा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नाना पटोले ने जब से अमिताभ का विरोध करने और काले झंडे दिखाने की धमकी दी है, तब से अमिताभ की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।
बंगाल में इस बार भी सत्ता का ख्वाब देख रही ममता बनर्जी बीजेपी से इस कदर डर गई हैं कि पार्टी को एक बार फिर चुनावी स्लोगन बदलना पड़ा है। इस बार ममता बनर्जी ने पार्टी के नए स्लोगन के जरिए बंगाल के सेंटिमेंट को छूने की कोशिश की है। बंगाल में टीएमसी का इमोशनल कार्ड, नए स्लोगन के सहारे सियासत चमकाने की कोशिश। बंगाल में ममता बनर्जी की बेटी वाली पॉलिटिक्स। लोकतंत्र के उत्सव में प्रयोग धर्मिता के अपने ही मायने हैं। कौन सा प्रयोग कब, कहां और कैसे कारगर साबित होगा, ये सत्ताधारी पार्टियों को बखूबी आता है। लगातार खिसक रहे सियासी जनाधार ने एक बार फिर ममता बनर्जी को भी प्रयोगों की पॉलिटिक्स की तरफ मोड़ दिया है। इसी कड़ी में कोलकाता से आई इन तस्वीरों ने ममता बनर्जी के इरादों को जाहिर कर दिया है। विधानसभा चुनावों में जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से ममता बनर्जी ने नए चुनावी स्लोगन के जरिए इमोशनल कार्ड खेल दिया है। पार्टी का नया चुनावी स्लोगन है, बांग्ला निजेर मय के ईचाए, यानी बंगाल अपनी बेटी को चाहता है। একটা স্লোগানকে সামনে রেখে তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের কাছে যেতে চায়। বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়, এই স্লোগানের মধ্য দিয়েই বাংলার মানুষের কাছে তৃণমূল কংগ্রেসের শত সহস্র সহকর্মী পৌঁছবে। মা আর বেটিকা ইয়ে রিশতা মমতা ব্যানার্জি কো চুনাবো সে ঠিক পেহলে কিয়ো ইয়াদ আ রাহা হ্যায়, ইসকে পিছে ভি আপনি হি কাহানি হ্যায়। মমতা জানতি হ্যায় কি 2019 কে লোকসভা চুনাবো মে बीजेपी उनकी पार्टी को कितना बड़ा झटका दे चुकी है, और ऐसी ही तस्वीर इस बार कुछ विधानसभा चुनावों को लेकर देखी जा रही है। माना जा रहा है कि 200 प्लस का दावा करने वाली बीजेपी विधानसभा चुनावों में भी बड़ा उलट फेर कर सकती है। टीएमसी को पता है कि जरा सी रणनीतिक चूक पार्टी के सपने को तोड़ सकती है। इसके अलावा ममता बनर्जी ये भी जानती हैं कि बीजेपी में शामिल हो चुके टीएमसी के बागी नेता उन्हें कहाँ कहाँ नुकसान पहुँचा सकते हैं। टीएमसी जानती है कि करीब 1.5-2 सालों से बीजेपी ने बंगाल में अपने जनाधार को कितना मजबूत कर लिया है। साथ ही ओवैसी का चुनाव मैदान में उतरना भी टीएमसी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है, जिसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिल सकता है। इतना ही नहीं, टीएमसी के खिलाफ बीजेपी की आक्रामक रणनीति भी मुसीबत से कम नहीं है। अब जरा बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के इस ट्वीट को ही देख लीजिए। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि वो सिर्फ यहीं से मैदान में उतरेंगी। यदि उनको अपनी जीत का भरोसा है तो ये घोषणा भी करें, वरना ये समझा जाएगा कि आपको नंदीग्राम पर भरोसा नहीं। यही वजह है कि चुनाव से ठीक पहले टीएमसी ने अपना ये नया स्लोगन जारी किया। पार्टी का दावा है कि ये फैसला दिल और दिमाग से लिया गया है। Can also clearly understand this message. So it's a very simple message. It's an honest message. It's a direct message. It's a message from here. It's also a message from here. No, one slogan, and that is Bangla Nijer Mekei Chai. So that's the slogan. It's a positive slogan. ममता का नया स्लोगन बंगाल की बेटी वाले सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है। लंबे समय से बाहरी और भीतरी की राजनीति करती आ रही टीएमसी ने इस स्लोगन से पार्टी में प्राण फूंकने की कोशिश की है। टीएमसी इस स्लोगन के जरिए ये बताने की कोशिश कर रही है कि ममता बंगाल की बेटी हैं और बीजेपी बाहरी शक्ति। हिंदू अधिकारी हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। सर, आप दीदी ने अपना स्लोगन लॉन्च किया कि बंगाल अपनी बेटी को ही चाहता है। दीदी की स्लोगन नहीं है ये, जो 500 करोड़ जो काट मनी लेकर जो उसको बिहार से लाया ना, जिसका इंटेलिजेंस खरीद के चुनाव जीतना चाहता है वो उसका है, वो आईपैक का स्लोगन है। ये स्लोगन बंगाल में रिजेक्टेड। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब ममता बनर्जी की तरफ से कोई नया स्लोगन दिया गया है। पहले भी कई मौके आ चुके हैं जब ममता बनर्जी ने जनता को लुभाने के लिए स्लोगन का सहारा लिया, लेकिन टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी की नजर में नए स्लोगन के कोई मायने नहीं है। पहले दीदी का बोला, दीदी के बोलो रिजेक्टेड, दूसरा बांग्लार गर्व रिजेक्टेड, तीसरा दीदी दूध
ऑल्सो रिजेक्टेड, ये भी रिजेक्ट होने वाला है। अपने प्रदेश बनाने का घटिया काम ये कर रहा है, इसको जनता नकार देगा। इस बार इशू यही है, एक तो विकास, दूसरों बेरोजगार नौजवान की नौकरी और तीसरा सेंट्रल स्टेट का रिलेशन, डबल इंजन का सरकार। आज चौथा काटमानी तोलाबाजी का खिलाफ इस बार चुनाव होगा, तुष्टीकरण के खिलाफ, तुष्टीकरण के खिलाफ, घुसपैठियों के खिलाफ चुनाव होने वाला। बंगाल विधानसभा चुनाव हर बार की तरह इस बार भी चुनौतियों से भरा है। सियासी हिंसा की आग ने कई जिलों को अपनी शिकंजे में कस रखा है। बीजेपी लगातार टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगा रही है। बैरकपुर से आई इन तस्वीरों को बंगाल में राजनीतिक हिंसा की एक बानगी माना जा सकता है। बीजेपी के अल्पसंख्यक वर्ग की ओर से चाय पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने अचानक यहां हमला बोल दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब कुछ पुलिस प्रशासन के सामने हुआ, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे खड़े रही। यही वजह है कि कश्मीर से सीआरपीएफ की कई कंपनियां बंगाल के अलग अलग जिलों में तैनाती के लिए पहुंच चुकी हैं। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में कानून व्यवस्था का मामला अब हाथों से निकल चुका है। बीजेपी के बढ़ते कद से ममता इस कदर तिलमिला उठी है कि उनके कार्यकर्ताओं को हिंसा के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझ रहा है। जो हिंसा है आपके आज कार्यकर्ता, हिंसा टीएमसी की देन है और हिंसा मुक्त करने के लिए ही पश्चिम बंगाल के लोग कमल का समर्थन कर रहे हैं। कमल खिलाने के लिए जनता सड़कों पर है, सैलाब उमड़ रहा है और भाजपा की सरकार बनने जा रही है और हम लोग 200 प्लस सीटें पश्चिम बंगाल में जीतने जा रहे हैं। दरअसल बंगाल विधानसभा चुनावों की तैयारियां अब उस दौर में है जहां साम दाम दंड भेद वाली सियासत मुखर होती जा रही है। इसी कड़ी में बीजेपी युवा मोर्चा से ताल्लुक रखने वाली पामेला गोस्वामी की गिरफ्तारी ने तूल पकड़ लिया है। पूर्व अभिनेत्री पामेला गोस्वामी को कोकेन के साथ गिरफ्तार किया गया है। हालांकि खुद पामेला ने कोर्ट में पेशी से पहले दावा किया कि उनके खिलाफ साजिश रची गई है। साथ ही उन्होंने खुद को बेकसूर बताते हुए सीआईडी जांच की मांग की। वहीं बीजेपी ने भी पामेला गोस्वामी की गिरफ्तारी को एक साजिश करार दिया है। इतना ही नहीं, पार्टी ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को भी इस मामले में घसीट लिया है। पामेला गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर देखिए, पुलिस का मामला इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, मेरा जो सोच है उसकी फंसाया, ये एक तरीका है, भतीजा का तरीका। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी पामेला गोस्वामी का बचाव किया है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में उनकी ही नहीं दूसरी पार्टी के नेताओं को भी ऐसे मामलों में साजिश के तहत फंसाया जा चुका है। बोला कुछ नहीं, किंतु जो अपराधी होकर धरा हुई अपराधी जन तो आई ना लोग गांजा जन तो पुरुलियार टीचर एखनो से जेले आज 3 বছর धरे गांजार केसे तो ये बहु केस हमारे कर्मी एमक अन्य पार्टी कर्मी देवा सत्य सत्य चक्रांत ना कि दोषी এটা আগে প্রমাণ হওয়ার দরকার আছে আর তারপরে যদি দোষী তো দোষী সে তো আইনের জন্য আইন তা ঠিক করবে সে নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই কিন্তু এই ধরনের চক্রান্ত করে যে আমাদের কর্মীদের ফাঁসানো হয় তার বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করব। রাজনৈতিক হিংসা আর আরোপ প্রত্যারোপ কি ইস ঘড়ি কে বীচ বিজেপি আর টিএমসি নে চুনাও মে বাজি মারনে কে লিয়ে এড়ি চোটি কা জোর লাগা দিয়া হ্যায় লেকিন তয় জনতা কো হি করনা হ্যায় কি উসে সিয়াসত কা স্লোগান রাস আতা হ্যায় या फिर बीजेपी के बंगाल परिवर्तन का वादा।
क्योंकि इतना तय है कि चुनावों से पहले जो जनता की नब्ज को भांप लेगा वही जनता के दिलों पर भी राज करेगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में 3 अलग अलग धमाकों में 5 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। बताया गया कि पहले 2 विस्फोट 15 मिनट के अंदर हुए और तीसरा धमाका एक पुलिस गाड़ी को निशाना बनाते हुए 2 घंटे बाद हुआ, जिसने पूरे इलाके को थर्रा दिया। धमाके की आवाज से पुलिस की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और उसके मलबे सड़क पर काफी दूर तक बिखर गए। धमाके की बाद की जो तस्वीर सामने आई उनमें एक तस्वीर में कई लोग गाड़ी के मलबे को सड़क से हटाते और उसे एक बड़े ट्रक में रखते हुए दिखे। इतना ही नहीं, इस ताकतवर धमाके की जद में आने से सेना के 2 जवान और एक नागरिक की मौत हो गई, जिनके खून के धब्बे सड़क पर बिखरे नजर आए। थोड़ी देर बाद वहां फायर ब्रिगेड के लोग पहुंच गए, जिन्होंने पानी की बौछार कर सड़क को साफ किया। इन धमाकों के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवानों को तैनात कर दिया गया ताकि किसी भी तरह के हालात से वक्त रहते निपटा जा सके। हालांकि अभी तक इन हमलों की जिम्मेदारी किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली है। बिहार में नल जल योजना में गड़बड़ी करने वाले मुखिया पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बिहार में नल जल योजना में गड़बड़ी करने वाले मुखिया इस बार पंचायत चुनाव में शामिल नहीं हो पाएंगे। पंचायती राज विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसके मुताबिक नल जल योजना में गड़बड़ी करने वाले ठेकेदारों और मुखिया पर कार्रवाई होगी। साथ ही इस योजना के तहत जिस इलाके में समय पर काम पूरा नहीं होगा उस इलाके के मुखिया को अगले चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज केरल का दौरा करेंगे, जहां वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। यूपी के हरदोई से पुलिस ने फर्जी दस्तावेज के जरिए नौकरी पाने वाले 3 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया। साथ ही प्रशासन ने 3 के खिलाफ FIR दर्ज करने और उनसे वेतन वसूल करने का निर्देश भी दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने गैंगस्टर रवि पुजारी की हिरासत मुंबई पुलिस को देने का आदेश दिया। मुंबई में रवि पुजारी के खिलाफ 49 मामले दर्ज हैं। 2016 के गजाली होटल में हुई फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस ने रवि पुजारी की हिरासत की मांग की थी। मध्य प्रदेश के इंदौर से पुलिस ने हथियार तस्करी के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों से कई हथियार भी बरामद कर लिए। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पुलिस ने चोरी के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से 15 लाख नकद और गहने भी बरामद करने का दावा किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज केरल दौरे पर जाएंगे। योगी आदित्यनाथ केरल में विधानसभा चुनाव से पहले शुरू होने वाली बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के कार्यक्रम में शामिल होंगे और रैली को भी संबोधित करेंगे। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि योगी आदित्यनाथ दोपहर 12 बजे लखनऊ से केरल के लिए रवाना होंगे। योगी आदित्यनाथ की छवि फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता की है, ऐसे में बीजेपी केरल के चुनावों में हिंदू वोटों को साधने के लिए उनका चेहरा आगे रखना चाहती है। बिहार में कक्षा में सोशल साइंस की 10वीं की परीक्षा रद्द होने के विरोध में कुछ छात्रों ने जमकर बवाल किया। ये और इसी वजह से पटना के कई छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। सामने आई एक तस्वीर में कुछ छात्र सड़क पर उतरकर हंगामा करते दिखे। इतना ही नहीं, गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सड़क से गुजर रही बसों और गाड़ियों को भी निशाना बनाया और उनके शीशे तोड़ दिए। सड़क पर हो रहे बवाल की वजह से वहां जाम लग गया, कई गाड़ियां उसमें फंस गई, लेकिन छात्रों का हंगामा नहीं रुका। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस वालों ने मामले को शांत करवाकर जाम खुलवाया। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में एक नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई। परिवार का आरोप है कि शादी से इनकार करने पर उनकी नाबालिग लड़की के सिर पर हथौड़ा मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोपी फरार है, जिसकी पुलिस अब तलाश कर रही है। लड़की के परिवार का दावा है कि आरोपी पहले भी उसे धमकी दे चुका था और शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन लड़की ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिससे नाराज होकर आरोपी ने उसकी जान ले ली। घर पे आया, घर पे कहने लग गया बहन से कि तू मेरे से शादी कर ले। तो बहन ने यानी माँ को बताया सबका, जैसे से बोल रहा। तो फिर मम्मी बोल रही थी अभी आ रहे हम, उसे सब्जी लेने के लिए बाहर भेज दिया तो उसने सर पे थोड़ा मार कर चला गया। गेट बाहर से बंद कर दिया, चाबी अंदर भेज दी।
स्पेन के बार्सिलोना में गायक पाब्लो हसेल की गिरफ्तारी के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन हिंसक हो गया। राजशाही का विरोध करने वाले पाब्लो हसेल को 4 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उसके हजारों समर्थक बार्सिलोना की सड़कों पर हैं। एक दिन पहले तो उसकी रिहाई की मांग कर रहे लोगों ने पूरे शहर में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। सड़कों पर रखे कूड़ेदानों को तो एक जगह जमा कर उसमें आग लगाने लगे। चंद मिनटों में ही पूरा शहर सुलग उठा। आग के शोले और धुएं से पूरा इलाका दहशत से भर गया। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ रास्तों पर मुस्तैदी दिखाई, लेकिन लोगों के गुस्से को शांत करना उसके लिए भी आसान नहीं रहा। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ लोग एक बैंक के अंदर शीशे तोड़कर घुसते हुए दिखाई दिए। इतना ही नहीं, प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने बैंक के अंदर तोड़फोड़ भी की। हालात बिगड़ते देख वहां के प्रधानमंत्री भी मीडिया के सामने आए और लोगों से कानून को हाथ में न लेने की अपील की। Ninguna, precisamente porque la violencia no es una libertad. पिछले 4 दिनों से जारी इस प्रदर्शन में हिंसा भड़काने के आरोप में करीब 100 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब बात कोरोना से जारी जंग से जुड़ी। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, फिर भी हम सबको कुछ सावधानियां बरतनी हैं। कोरोना से लगातार जंग जारी है और इसके लिए मास्क पहनना जरूरी है, बार बार हाथ धोना जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है 2 गज की दूरी। कोरोना से जंग में ये सावधानियां आज भी हैं जरूरी।